आज हिंदी में हम पढ़ेंगे ग्रामर में क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब, है ना। किसे कहेंगे क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे हिलर तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि तेज दौड़ता है तो हिरण की विशेषता क्या है? तेज दौड़ने में भी कैसे तेज, तो ये विशेषता होगी। बच्चा सिसक सिसक कर रोता है, बच्चा की रोने की विशेषता क्या है? तो बोले क्रिया है रोना, लेकिन उसकी विशेषता सिसक सिसक। यहाँ पर दौड़ना वर्ब है, यहाँ पर लिखा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तो क्रिया तो दौड़ना है लेकिन उसकी विशेषता तेज है। यहाँ पर रोना तो क्रिया है लेकिन उसकी विशेषता सिसक सिसक कर। कैसा रोता है? सिसक सिसक कर। गधा धीरे धीरे चलता है, चलना तो क्रिया है लेकिन विशेषता क्या होगी? धीरे धीरे। बंदर कूद कूद कर नाच रहा है, यहाँ पर नाचना तो क्रिया है और कैसे नाच रहा है? कूद कूद कर। तो ये क्या है? विशेषता। इसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा है परिमाण वाचक। चलिए इसका एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझते हैं। ओके, पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति या परंपरा का बोध कराते हैं, रीति या परंपरा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, आप लोग यहाँ देखिए बच्चा धीरे धीरे, है ना, क्रिया क्या है? चलना। तो बच्चे की जो क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पर? धीरे धीरे। और यहाँ पर एक परंपरा भी है, रीति हो गया, बच्चा क्या है? जोर जोर से चलेगा क्या? नहीं, धीरे धीरे चलेगा ना। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर भी घोड़ा का, है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है लेकिन क्रिया क्या है? दौड़ना। और उसकी विशेषता क्या है? तेज, है ना। तो ये परंपरा या रीति हो गई। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के समय, काल मीन्स क्या होता है? समय होता है। तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, कब जाएंगे? समय का बोध करा रहे हैं, कल। तो ये क्या हो गया? कल। कालवाचक क्रिया विशेषण, वह अभी आया है। कितना समय आया? अभी आया। यहाँ पर भी समय सूचक हो रहा है ना, आया तो क्रिया है, कितना समय? समय का बोध करा रहा है, अभी आया है। इस प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है तीसरा नंबर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन यहाँ बैठा है, अब यहाँ कहाँ बैठा है? वहां पर स्थान का सूचक है, यहाँ बैठा है। तो यहाँ क्या है? स्थान का सूचक है कि वहाँ इधर उधर नहीं बल्कि यहाँ बैठा है। घर के बाहर शेर घूम रहा है, शेर कहाँ घूम रहा है? घर के बाहर घूम रहा है। यहाँ पर भी स्थान का है ना, उसमें कहाँ घूम रहा है, शेर कहाँ है? बोले शेर घर के बाहर घूम रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से समय स्थान का बोध करा रहा है कि कहाँ घूम रहा है, बाहर। तो इस प्रकार एक कॉन्सेप्ट, इसका एग्जाम्पल है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में क्या होता है? मात्रा। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा का बोध होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे तुम कम खाते हो, तुम कम खाते हो, तो परिमाण मात्रा का बोध हुआ ना। या कोई ज्यादा खाता है, राकेश ज्यादा खाता है, तो ज्यादा क्या है? परिमाण को बोध करा रहा है, मात्रा को। तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, यहाँ पर भी मात्रा का बोध हो रहा है कहीं ना कहीं, कि बोध करा रहे हैं कि आप आवश्यकता से अधिक बोलते हो, कम ज्यादा, है ना, ये सब क्या है? मात्रा का ही बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, है ना, क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बेच में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परि
निर्माणवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल दे करके एग्जाम में पूछा जाता है यह कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आपको जैसे स्थान का जो बोध करा रहा है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मात्रा का परिचय बोध करा रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो काल समय का बोध करा रहा है वह कालवाचक क्रिया विशेषण, और जो रीति या परंपरा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे। ओके।